आज हम लोग देखते हैं मास्टर कॉपी किसको कहते हैं। बायोलॉजी में मास्टर कॉपी का मतलब क्या होता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बायोलॉजी में किसको कहते हैं मास्टर कॉपी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डीएनए। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि डीएनए क्यों होता है, तो इसका मेन कारण है, हम पॉइंट वाइज देते हैं कि डीएनए जो होता है, पहला डीएनए कॉन्टेंस, इसीलिए इसको मास्टर कॉपी कहते हैं, ऑल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। डीएनए में पूरे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, यानी डीएनए कंटेंस ऑल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, सो नोन एज मास्टर कॉपी। आंसर इसका आ गया ऑफ जेनेटिक, इसलिए इसको मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड माई पॉइंट, व्हाट इज मास्टर कॉपी? मास्टर कॉपी इज डीएनए बिकॉज कंटेन्स ऑल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, सो नोन एज मास्टर कॉपी। मास्टर कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अब ये मास्टर कॉपी कैसे बनाता है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए के रेप्लिकेशन से बनता है, या और इट्स फॉर्म कार्बन कॉपी। नोट करते जाएंगे, कार्बन कॉपीज, और ये कब बनेगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसको लिख सकते हैं व्हेन न्यू मास्टर कॉपीज क्या होगी, रिक्वायर होगी, आर रिक्वायर्ड। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो फॉर्म हो जाता है, समझ में आ गया, इसीलिए इसको हम मास्टर कॉपी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ऑल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको मास्टर कॉपी कहते हैं। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। और कोई भी क्रिएशन हो बायो में, उसमें डीएनए इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को कॉपी, यानी उसकी पूरी कॉपी को बना देता है। यानी उसका मेन कारण क्या होता है कि पूरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है, और वो उसी के अनुसार सिंथेसाइज करा देता है। जैसे नोज बनाना हो, ईयर बनाना हो, आई बनाना हो, तो एग्जैक्टली सिमिलर बना देता है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं मास्टर कॉपी। जिस समय ज़रूरत पड़ती है सिंथेसिस की, जैसे कोई बेबी है तो कैसे कैसे ग्रोथ हो रहा है, किस समय क्या सिंथेसाइज होना है, कौन सा हार्मोन बनना है, या कौन सा एंजाइम बनना है, या कौन पार्ट बनना है, उसका एक्सेस पार्ट क्या बनना है, सारा का सारा
इसी पे डिपेंड करता है। अगर जो इसमें कुछ एरर आता है, इस मास्टर कॉपी में कुछ एरर आता है तो उसमें भी वो दिखता है। इसी को हम म्यूटेशन का नाम देते हैं कि वो चेंजेज हो गया है किसी कारणवश से, उसमें कुछ एरर आ गया तो उसमें गड़बड़ी आ सकती है, अदरवाइज हेल्दी है। तो जिस समय जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो कॉपी बनती जाती है, इसलिए इसको मास्टर कॉपी बोलते हैं। इसको नोट कर लेंगे।